नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्यामनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी हम खबर आपको बताते, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में ईद की धूम देखी जा सकती है और हर्षोल्लास के साथ त्योहार को मनाया जा रहा है। ईदगाह भाटा में हजारों की संख्या में नमाजी शामिल हुए, बड़ी जानकारी आपको बताते, जहां पर ईदगाह भाटा पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो प्रदेशवासियों को सीएम भूपेश ईद की बधाई देंगे। छत्तीसगढ़ में ईद की धूम देखी जा सकती है, बड़ी जानकारी हम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। हर्षोल्लास के साथ त्योहार को मनाया जा रहा है और हजारों की संख्या में ईदगाह पहुंचे हैं लोग, और ईद भाटा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। ईदगाह भाटा पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल, बड़ी जानकारी आपको बता दें। प्रदेशवासियों को सीएम भूपेश ईद की बधाई भी देंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में ईद की धूम देखी जा रही है, जगह जगह पर ईद मनाया जा रहा है। हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया जा रहा, कड़ी सुरक्षा के बीच ईद मनाई जा रही है। ईदगाह भाटा में हजारों की संख्या में नमाजी शामिल हुए, सीएम भूपेश बघेल भी ईदगाह भाटा पहुंचेंगे और प्रदेशवासियों को ईद की बधाई देंगे। बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में ईद की धूम देखी जा सकती है और हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाया जाएगा। तो ईदगाह भाटा में हजारों की संख्या में नमाजी शामिल, बड़ी जानकारी आपको बता दें, ईदगाह भाटा पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है त्योहार। ईदगाह भाटा में हजारों की संख्या में नमाजी शामिल हुए, इस वक्त की बड़ी जानकारी, ईदगाह भाटा पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता दें, प्रदेशवासियों को सीएम भूपेश ईद की बधाई देंगे और छत्तीसगढ़ में ईद की धूम देखी जा रही है, बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, जहां पर हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाया जा रहा है। ईदगाह भाटा पहुंचेंगे सीएम भूपेश, बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता दें, प्रदेशवासियों को सीएम भूपेश ईद की बधाई देंगे। और ऐसे में आपको बता दें, हर्षोल्लास के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज अपने करीबियों से मुलाकात करते हैं लोग और शांति सौहार्द की कामना की जाती है, दुआ मांगी जाती है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ईदगाह भाटा में हजारों की संख्या में नमाजी शामिल हुए और ईदगाह भाटा पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। हर्षोल्लास के साथ त्योहार को मनाया जा रहा है, बड़ी जानकारी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौरासे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ पूरी जानकारी, कब तक सीएम भूपेश कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर ईद लंबे समय बाद लगभग 3 वर्षों बाद ईद हर्षोल्लास उत्साह के साथ मनाई जा रही है, देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर भारी हुजूम मुस्लिम समुदाय का उमड़ा हुआ है। असर की नमाज अदा होने वाली है और इस तरीके से नमाज को अभी 5 मिनट का समय शेष बचा है, तो 5 मिनट के बाद यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। इसके बाद लोग एक दूसरे को से गले मिलकर मुबारकबाद देते नजर आएंगे। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी 5 मिनट बाद पहुंचेंगे और यहाँ पर पहुंचकर लोगों को ईद की मुबारकबाद देते नजर आएंगे। जी सामने बिल्कुल अमित, सीएम के आगमन को लेकर वहाँ पर क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही है? सवाल दोहराए अमित, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी हाँ, सीएम के आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां वहाँ पर देखी जा सकती है? अभी जो यहाँ की तैयारियां पूरी तरीके से सभी लोग यहाँ पर बैठ गए हैं नमाज अदा करने के लिए और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। हजारों की संख्या में लोग ईदगाह भाटा पहुँच कर नमाज पढ़ते नजर आएंगे। इसके बाद ईद के मुबारकबाद लोग एक दूसरे को गले मिलकर बधाई देते नजर आएंगे। बिल्कुल अमित, क्या सीएम के साथ कोई अन्य नेता फिलहाल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे?
तरीके से पश्चिम के विधायक हैं विकास उपाध्याय और साथ ही कृषि मंत्री रवीन चौबे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ यहाँ पर शिरकत करते नजर आएंगे और एक दूसरे मुस्लिम समुदाय को ईद की दिली मुबारकबाद देते नजर आएंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।